अलग अलग तरीकों से काफी क्रिएटिविटी से यहाँ के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की, जो नियमितीकरण के लिए, रेगुलराइजेशन के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मौसम की मार भी लग रही है उन्हें। जल सत्याग्रह कर चुके हैं, मास रेजिग्नेशन दे चुके हैं और अब वो आ चुके हैं अनशन पर। अनावरण अनशन कर रहे हैं, बिल्कुल हंगर स्ट्राइक। यहाँ पर लोग आज 12 बजे से हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं। अन्न का एक दाना नहीं लेंगे, पानी भी नहीं लेंगे। काफी इंटेंस ये उनका प्रोटेस्ट होगा। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ दिनेश शर्मा जी की, जिनको अनावरण अनशन करते हुए भी 15 दिन गुजर चुके हैं। दिनेश शर्मा सर्व विभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष हैं और यहाँ पर 15 दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया है। जल तो वो ले रहे हैं लेकिन अन्न का दाना नहीं लिया है। हेल्थ वाइटल्स भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तब तक अन्न का दाना नहीं लेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता। कहीं ना कहीं एक गांधीवाद के जरिए अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार तक, भूपेश बघेल की सरकार तक। आपके बीपी शुगर, आपको अगर ये जो हेल्थ वाइटल्स है आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आप 15 दिन से यहाँ पर मौजूद है, जल तो ले रहे हैं लेकिन भोजन नहीं ले रहे हैं, किस तरह से आपकी हालत अभी दिन ब दिन थोड़ी सी हो रही है खराब? हाँ, बीपी शुगर अप डाउन हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, हाथ पर में झुनझुनी भी है। लेकिन चूंकि बात छत्तीसगढ़ के 40,000 परिवार की है, बात सत्यता की है, जो भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वादे पूरे करेंगे, गंगा जल कसम की है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, कर्मचारी ठगी महसूस कर रहे हैं। तो आज सत्याग्रह, नियमितीकरण सत्याग्रह सरकार को बताने के लिए, जनता को बताने के लिए भूपेश बघेल जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ लपवासी की सरकार है। गांधीवादी विचारधारा पे खड़ी कांग्रेस पार्टी आज उनको गांधी नोट में पसंद आ रहे, विचार पसंद नहीं आ रहे। उनके एक अधिकारी मिलने तक नहीं आए, बातचीत करने तक नहीं आए। हमारी ओर से जब यहाँ से टीम जाती है डेलीगेशन के लिए तो उनसे मिलने का समय नहीं दिया जाता। आंदोलन खत्म करने की बात की जाती है तब बात करने की बात कही जाती है। तो ये तो गांधीवादी विचारधारा की हत्या कर रहे हैं, विचारधारा की भी हत्या हो रही है यहाँ पर। कितने दिन आप और बैठ पाएंगे बिल्कुल इस अनशन पे, इस फास्ट पे? और बिल्कुल तैयार है, जब तक निष्कर्ष नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। और विधानसभा जो अभी सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, आखिरी सत्र, उसमें आप लोग के लिए कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा? हाँ, कल जिस प्रकार से विधानसभा स्थगित हुआ, हमारे प्रदेश के कुछ युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया, ये शर्म की बात है एक सरकार के लिए। इस देश में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। तो कल तो स्थगित हो गया, 3 दिन और है हमारे पास में। हमें भरोसा है कि वो कुछ करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो 21 तारीख को CM का घेराव करेंगे और इसकी जवाबदारी, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी भूपेश बघेल की होगी, सरकार की होगी, छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। CM निवास का भी घेराव किया जाएगा। अगर जो ऑन गोइंग विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें कोई फैसला इनके फेवर में लिया नहीं गया तो। मैं सुमीर राजपूत, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, तूता छत्तीसगढ़ से आज तक।